वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन केस हमारे पास एक लैपटॉप है और इसमें अभी हमने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करी थी और विंडोज़ 10 को हमने कम्प्लीटली इंस्टॉल कर ली थी, बट हमें एक एरर मैसेज शो हो रहा है इंस्टॉल विंडो का, द कंप्यूटर रिस्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली और इनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड एरर, विंडोज इंस्टॉलेशन कैन नॉट प्रोसेस, टू इंस्टॉल विंडोज क्लिक ओके टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर एंड देन रिस्टार्ट द इंस्टॉलेशन, और हमें ओके करने बोल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 की को प्रेस करना है, जिससे आपका कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है रेडिट और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसमें आपको HK लोकल मशीन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिस्टम पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटअप पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्टेटस पर क्लिक करना है और फाइनली आपको चाइल्ड कॉम्पिलेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में आपको setup.exe को फाइंड करना है और इस पर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ हमारा जो है वह 1 हो रखा है, आपको यहाँ पर 0 या 3 कर देना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारी सेटिंग जो थी वो फिनिश हो चुकी है और इसके बाद हमारा विंडोज़ ऑन हो जाएगा। तो अब हमारा जो PC है वह ऑटोमेटिकली रीबूट होगा एक बार और हमारा विंडोज़ ऑन हो जाएगा। तो हम अपने विंडोज़ ऑन होने का वेट कर लेते हैं तब तक। इनकेस हमारा लैपटॉप जो था वह विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय लेगा, तो हम वेट करेंगे और जितना टाइम लेता है इसको टाइम लेने दें और फाइनली हमारा विंडोज अभी ऑन होगा। हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो देखिए हमारा जो विंडो है वो ऑन हो चुका है, फाइनलाइजिंग योर सेटिंग आ चुकी है। इसके बाद आपको कुछ अपने डिटेल्स को फिल करनी है और आपका विंडोज ऑन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।